बॉक्सर मैन। दिल्ली की गर्मी और यहाँ की सर्दी बहुत बढ़िया। गाइस आज हो चुका है हमें डे टू और 9:10 हो रहे हैं। पीछे देखो आपको दिख रहा हो तो बहुत तगड़ा व्यू है, बहुत तगड़ा व्यू है ना, तगड़ा व्यू। और हम निकल रहे हैं अब बारालांचा के लिए। देखो क्या होता है, एडवेंचरस होता है, एडवेंचर भी करेंगे, जिप लाइनिंग करेंगे, स्काई डाइविंग करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें करेंगे जो मतलब देखते हैं। जन्नत कहते हैं यार लद्दाख को, देखते हैं ऊपर तक जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। स्नो रहेगी बहुत ज़्यादा, मज़े आएंगे। और मेरा तो ये है कि मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लोर करवाऊँ, तो हमारे साथ वीडियो बने रहिए। हाँ, और अब चलते हैं नीचे, जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठ के प्लान बताते हैं पूरा। लगेज बन चुका है, आप अपने मैप, अब मैं अपना आपको मैप बताऊंगा, ठीक है, उस हिसाब से आज हम घूमेंगे। चलो आज सारे पीछे से इधर देखो, ये वंश इधर आना, वंश। हेलो हेलो गाइस, हम जा रहे हैं लद्दाख। हे मियाँ की मैगी मत खाना, बहुत महंगी देते हैं साले। देखो ये साइड में रिवर, इतने पत्थर, इतने पत्थर, और लोग वहाँ से जा भी रहे हैं। वो देखो हाँ, बहुत डिस्टेंस में है। काम लग रहा है यहाँ पे, गाड़ी अपनी चल रही है, तो मैंने एक काम करा, मैंने कि क्यों ना उतर के यार पैदल चला जाए, तो पैदल चलते चलते मेरे को क्या क्या सीन देखने को मिल रहा है, देख रहे हो, मतलब साइड में इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतना फ्रेश हो रही है। देखो ये झरना, झरना झरना, देखो झरना, बहुत चिल मूड है भाई, बहुत चिल, बढ़िया, बहुत तगड़ा। मतलब हम अभी बहुत तगड़ी जगह पे हैं, मनाली, मनाली से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। और गाइस जाम भी देखो हल्का फुल्का खुली है, तो जा रहे हैं बस हम। अब हम रुके हैं एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पर होगा हमारी गाड़ी का पोल्यूशन, फिर बढ़ेंगे आगे अपनी मंजिल की ओर। पीछे पहाड़ हैं, बहुत सीन बहुत अच्छी है भाई, बहुत देखने लायक व्यू है भाई, बहुत ज़्यादा वर्थ है भाई यहाँ पर आना। इस टाइम पर पोल्यूशन हो रहा है, पीछे गाड़ी का पोल्यूशन हो रहा है पेट्रोल पंप पे, तो चलो आगे के नज़ारे देखते हैं। हमारे स्नैक्स के साथ क्या हुआ है, इतने बड़े बड़े हो गए हैं स्नैक्स, और ये देखो बाहर का नजारा, लेस 10 रुपए का लेस 20 रुपए वाले साइज में हो गया है।
ट्रैवलिंग के यहाँ के स्टेज से बर्फ स्टार्ट हो चुकी है। बहुत करीब है हम बर्फ के। चलो देखते हैं क्या होता है। चलते जा रहे हैं। बादलों की परछाई। ओह मैन, रुक गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। हील एक सेल्फी पॉइंट साइड है, पूरा दिखाएंगे आपको। अगर पीछे हील है और यहाँ पर खाने पीने के लिए सब कुछ बड़ा। मैगी यहाँ की फेमस मैगी, जो पहाड़ पर आने के बाद हर कोई ज़्यादा मैगी, बड़ी बहुत महंगी है भाई। 80-90 रुपये की मैगी, 9 मैगी खा लूँ मैं दिल्ली में। चलो गाइस दिखाते हैं आपको लंच ब्रेकफास्ट जो भी हम कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। पर हमने ब्रेकफास्ट करा था, उससे 1 या 2 किलोमीटर आगे आते ही हमें रोहतांग का अटल टनल देगा। देखो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर बहुत तगड़ा नजारा है, बहुत तगड़ा। पास के बाद हमने अटल टनल पार करा। अटल टनल के बाद हम पहुंचे हैं कॉक्सर। कॉक्सर का व्यू देखो गाइस, पीछे रिवर है और पीछे हम अभी ऊपर जा रहे हैं। ऊपर ये पूरा स्नोफॉल होने के बाद पूरा बर्फ बर्फ हो रखी है पीछे, अब उस पर जा रहे हैं अपन। और पीछे ये बाइकर्स वगैरह हैं, यहाँ पर फोटो वगैरह खींचेंगे अभी। और पर व्यू देखने लायक है, अब व्यू देखो गाइस। आ गए हैं बर्फ में। ये भाई आराम से भाई, इतनी सेंसिटिव बर्फ है, इतनी सॉफ्ट बर्फ है। ये देखो गाइस, ये देखो नदी बह रही है। और दिल्ली वाले बिना ग्लव्स के, बिना जैकेट के, बिना जूतों के आ गए, बिना जैकेट के आ गए। क्या कौन सा जगह थी भाई ये? कॉक्सर में। और अभी हम इसके बाद भी खाना रहेगा टीचू। हाँ, इसके बाद हम टीचू चलेंगे, उसके बाद दीपक ताल चलेंगे। और थोड़ी देर में हम बनाएंगे ये जो बर्फ है ना, स्नोमैन बनाएंगे और आइस का गोला बनाएंगे और साथ में फिर खेलेंगे। सब एंजॉय कर रहे हैं भाई यहाँ पे। ये भाई बढ़िया है भाई, बहुत तगड़ा मजे आ रहे हैं। दिल्ली की गर्मी और यहाँ की सर्दी बहुत बढ़िया। ये मेरे मुंह पे नहीं, गुद्दी में चलेगा भाई, अंदर चलेगी। हाथ देखो पूरा सुन्न हो गया, सुन। सबने मस्ती कर लिया बर्फ के अंदर और अब हमारा प्लान बना, हम रिवर के साइड में जाएंगे। रिवर यहाँ से नीचे उतर के साइड से अपना एडवेंचर करते उसके ऊपर से फिर हम जाएंगे रिवर के पास। हाँ, और एक और बात, हम इस साइड कॉक्सर पे थे, कॉक्सर साइड थे और अब हम रिवर की साइड जाएंगे। उसके बाद हम आपको और एडवेंचर दिखाएंगे भाई अपनी ट्रिप के अंदर, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। चलो गाइस बने रहो हमारे साथ। उबड़ खाबड़ चढ़ने के बाद, इतना कीचड़ और क्या कहते हैं इसको, स्नो पार करने के बाद पूरा देखो, अभी भी देखो कीचड़ है यहाँ पे हल्का फुल्का, ठीक ठाक।
हम आ गए लेक के किनारे। देखो गाइस, देखने लायक चीज है भाई। रिवर के साइड में और इतने बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे और सबको एडवेंचर करने की शौक था तो सब बैठे हुए बीच में। वहाँ हर्षिता भी है, यहाँ पर गुन्नू, यहाँ पर मम्मी, सारे मैम वगैरह सब इधर उधर। भाई बहुत तगड़ा सीन है और बैठ के आराम से धूप देखो, बहुत तगड़ी धूप आ रखी है। और पीछे का सीन दिखाऊं आपको गाइस, देखो पीछे का सीन देखो आपको गाइस, पीछे पहाड़। ओ वाओ मैन, बड़ा सीन। अभी तक की जर्नी में साथ हो तो आगे भी रहना। चलो अब और एक्सप्लोर करवाते हैं। गाइस हम कॉक्सर के ऊपर वाले पोर्शन से, जब वहां पर बर्फ वगैरह है, वहां से चलते चलते बाय रोड बाय रोड बाय रोड यहाँ पीछे हम कुछ खाने पीने के लिए रुके थे और इसके थोड़ा सा आगे मैं आया हूँ। भाई यहाँ पर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था पूरा रास्ता पीछे से। मैं यहाँ पर आया, मैं आपको एक सीनरी टाइप दिखाता हूँ। वो पुराना से पेंटिंग सा लग रहा है, बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा। देखो खुद देखो गाइस, ये देखो इतनी धीरे धीरे फ्लोट हो रहा है पानी और इतना अच्छा लग रहा है। कर रहे अपनी गाड़ी का, हमारी टैक्सी उस साइड वाली पार्किंग में खड़ी हुई है, उसको आने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो मैं यहाँ व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। पीछे लेक है, ऊपर की साइड हूँ, पीछे कैफे वगैरह हैं बहुत सारे ऐसे। अभी हम यहाँ पर हैं और बहुत अच्छा सीन हो रहा है। बहुत मैं बहुत नीचे तक आ गया हूँ, देखो बहुत रिस्क रहता है भाई यहाँ पे। वैसे तो मैं बताऊँगा कि बर्फ पे बहुत सेफ्टी है। चलो भाई मैं खुद 3-4 बार गिरते हुए गिरते बचाऊँ, पर हाँ नीचे का आप सीन देखो खुद, बहुत खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। मेरे पीछे का बॉक्सर है और आगे साइड रोहतांग। वैसे यहाँ पर हम बैठे हैं इस टाइम पे, लेक है वहाँ पे और इस साइड वहाँ वेट कर रहे हैं मम्मी वगैरह। और यहाँ पर हमने एक पत्थर के ऊपर बैठे हैं, बहुत बड़ा पत्थर है। तो बिल्कुल सामने ना वो आपको एक दिखेगा सिल्वर रंग का पत्थर, पूरा सिल्वर है, उसका कलर पूरा सिल्वर है, कोई पेंट वगैरह नहीं है। इधर भी सिल्वर रंग का पत्थर है, उधर ये जो ये वाला है ये गोल्डन रंग का पत्थर है ये वाला। तो यहाँ पर हम बैठे हुए थे तो हम यहाँ से ना एक छोटा सा उसका पीस उठा के ले गए। वो देखो भाई ऐसे गोल्डन गोल्डन लग रहा है, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सा, ये देख रहे हो। एक घंटा हो गया था हमें गाड़ी का वेट करते हुए, नहीं अभी नहीं आए। अब हम नेटवर्क का वेट कर रहे हैं कि नेटवर्क आया तो हम ड्राइवर भैया को फ़ोन करें, पर रोहतांग पास के बाद एक नेटवर्क नहीं दिखता भाई। और पूरी पार्किंग वो देख रहे हो पूरी खाली है, इस साइड पूरी पार्किंग देख ली, इस साइड पूरी पार्किंग देख ली। अब हमें ऊपर वाली पार्किंग में जाना है, ऊपर वाली। हम 4-5 किलोमीटर ऐसे ही चल लिए होंगे गाड़ी ढूंढते ढूंढते, उन भैया के नेटवर्क नहीं आ रहे और उन भैया ने पता नहीं कहाँ खड़ी कर ली गाड़ी। अब उनको हम ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैदल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। आफ्टर एक घंटे के बाद हमें गाड़ी मिल गई हमारी और हम बैठ गए, सारे बैठे हैं। अभी देखो सबकी हालत व्यस्त हो चुकी है, सब थक गए हैं भाई, गाड़ी ढूंढते ढूंढते ज्यादा थक गए और गाड़ी को ढूंढते ढूंढते मतलब हम जितने मजे हमने करे ना घंटे से ना जितना हमने मजे एक सब निकल गया में किया, 1.5 घंटे से गाड़ी ढूंढ ढूंढ के हम इतने फजल हो गए भाई। अब हमें रिफ्रेशमेंट चाहिए, ठीक है, मोमोज की रिफ्रेशमेंट और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, गोला बनाएंगे। देखो गोला मैं उसके लिए इक्विपमेंट्स लेके आया हूँ, कांच का ग्लास ले आया और ये ले आया, हम गोला बना के खाएंगे माउंटेन ड्यू का गोला। और क्या, लेट सम चिल बॉयज गर्ल्स जो भी हो हमारे साथ। चलो गाइस अब जा ही रहे हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है हमारे साथ। सीसू, और सीसू के अंदर आने के बाद हम कर रहे हैं जिप लाइनिंग। चारों ही जा रहे हैं, मैं, वंश, विरोनिका और हर्षिता। जाना भी हमें कहाँ, देखो एक स्पेशल जगह, तो ध्यान से देखोगे ना तुम्हें एक झरना दिखेगा पीछे के साइड, वो देखो वो वाटरफॉल है, बहुत तगड़ा है वहाँ तक। देखो कोशिश करते हैं, हम चारों रहेंगे भाई बच्चे बच्चे से, यहाँ से झूलते छालते जाएंगे वहाँ तक और उसके बाद स्टोरी दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इस वाले फ़ोन को दे दूँगा मम्मी को, मम्मी मेरी जिप लाइनिंग रिकॉर्ड करेगी। बहुत यार रिस्क रहता है क्योंकि नीचे के साइड देखो ना, नीचे पूरा पानी वगैरह है, उसके आगे जाके हमें वहाँ पर उतार देंगे, फिर वहाँ से हमें पूरा ऊपर चढ़ते 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 वहाँ पर जाना है इस साइड। वहाँ पर जाने के बाद हमें देखेंगे वाटरफॉल, फेमस वाटरफॉल सीसो का। तो चलो गाइस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और आप सबको इस चीज़ का मज़ा दिखाते हैं।
मैं और अर्षिता है साथ में हाथ पकड़ के। ये देखो हमारे पास क्या है, हथियार। भाई इतना डर लगा, ये देखो ये दोनों भी आ गए, देखो पीछे, देखो पीछे पीछे ऊपर, ये दोनों आ गए, मोटू पतलू की जोड़ी। क्या ये सही आए? ये सही है भाई, ये थोड़े हैवी है ना, ये मोटे मोटे से चक्कर में आ गए, हम बीच में अटक गए थे। हेवन देखो पीछे, देखो पीछे पूरा पहाड़ है बर्फ ही बर्फ। ये देखो ये हम वहां से जिप लाइनिंग करते करते इतनी दूर से यहाँ तक आ गए। देखो रास्ता बताओ मुझे। भाई वहां पर इतना सेक्सी रास्ता है भाई, वहां पे मतलब इतना ऊपर तक जाने का रास्ता है। चलो चल रहे, थोड़ा उधर से आओ, कीचड़ कीचड़ है यहाँ पे, चलो वहां पर चलते हैं, बर्फ में दिखाते हैं आपको बहुत तगड़ी जगह। हमारे पेरेंट्स हैं वहाँ उस कोने में, उस वो कोने में बिल्कुल, और हम हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे ऊपर तक देख रहे हैं बर्फ ही बर्फ। जिप लाइनिंग में बहुत मजा आया भाई, जिप लाइनिंग में मैं इतना 5 सेकंड के लिए वीडियो में देखूँ, मैं इतना डर गया था कि मेरे पास की नहीं थी कुछ बोलना होता। हर्षिता और कहना नहीं, चलो 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 चलो, मैंने भैया को अपनी कसम दे दी कि भैया भैया मेरे को आपकी कसम, मेरी कसम, चलो मैंने, अरे भाई चल बैठा ले मेरे को, 1 सेकंड के लिए डर लगा था, ज्यादा डर नहीं लगा था, चलो कहाँ से रास्ता, यहाँ से कूद लो, नहीं कूदो मत, आराम से चलो, आ जाओ सारे आ जाओ। चलो गाइस थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ पर तो पैर फिसल रहे हैं पूरे गंदे वाले, ये देखो थोड़ा सा वहाँ पर जाते हैं वाले रास्ते, फिर आपको मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ आगे। अभी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है, हर्षिता गिरने वाली थी। पता नहीं यार, ये गाइस यहाँ पर हम आगे साइड, यहाँ पर फोन लगा हुआ है, चलो भाई वाटरफॉल में चलते हैं, ऊपर है मंदिर काली माँ का, आ जाओ आ जाओ, यहाँ का रास्ता बहुत ऑसम है भाई, देखो यहाँ से ना थोड़ा, हाँ जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। चलो भाई ये वाला रास्ता बहुत ऑसम है भाई, ये देखो बहुत सुंदर है, यहाँ से बहुत अच्छा रास्ता, बहुत सिंपल शोवर सा ऊपर तक चलेंगे। ओ मैन क्या झरना है यार, चलो अब तुम्हें ऊपर तक एक्सप्लोर करवाते हैं, चलो भाई जल्दी जल्दी चलो ऊपर, फिर वापस ही चलना है, मैं जा ही रहा हूँ साइड में, देखो क्या सीन है ऐसे, और ऊपर देखो तुम बताओ कभी महसूस हो रही है? चलो चलो हाउस द जोश, चलो चलो भाई जल्दी चलो, ठुकरा रहे भाई तुम तो, चलो हमें वहां पे जाना है, वहां तक देखो गाइस हम चलते 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 कहाँ चला गया, वाटरफॉल, हाँ वो रहा, इसके करीब पहुंच तो चुके हैं, वहां से सूरज भी निकल आया, पर भाई हमें इतना नीचे जाना पड़ेगा, इतना नीचे जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो हम वाटरफॉल तक नहीं जाएंगे बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वापस चलते हैं, आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, आगे जाने का रास्ता भी ऐसे है ज़िगज़ैग में, हाँ 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 करेंगे भी यार, वहाँ पानी तो गिर रहा है, आगे चलते हैं। तो ए वंश, ये देखो वंश हमारा हल्क मैन खेत में बैठ गया है, आ जा भाई आ जा नीचे चल रहे हैं, आ जा आ जाओ नीचे चल ना, आ जाओ वंश, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो गाइस वाटरफॉल पे हम इसलिए नहीं गए, हाँ वाटरफॉल पे हम इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पर ना बहुत ज्यादा मतलब जैसे ऊपर चढ़ाई बढ़ाई थी, वहां पर जाके हमें कुछ मिलता नहीं, फोटो वगैरह खींचना, हम यही सी फोटो वगैरह खींच लेते हैं। आ गए वापस जाने की जिप लाइनिंग से, देखो हम यहाँ पर आ गए हैं, ये रहा जिप लाइन ऊपर, चलो भाई अब जिप लाइन से वापस चलते हैं मम्मी मम्मी पापा वगैरह के पास, चलो चलते हैं। ओ गाइस देखो उल्टा हो गया हाथ हमारा भाई, बहुत गेम की लगती बच्चे भाई यहाँ पे, रोम रोम लटका लटका वाला, ये रखो पानी, शीशो पूरा कवर कर लिया, सब घूम घाम के जिप लाइनिंग वगैरह करके अब हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पप्पियाँ और यहाँ पीछे लिखा हुआ है आई लव लाहुल करके, जो भी हमें बताया एडवेंचर पार्क है शायद, हाँ यहाँ पर एडवेंचर है।
यहाँ पर एक अटल कैफे भी है और यहाँ पर अभी हम फोटो वगैरह खींचेंगे। गाड़ी पूरी पैक्ड है, वहाँ से वर्षित भागते आ रही है फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए सब आ रहे हैं। और आज भी हमें होटल पर रुकना पड़ेगा, मनाली में एक बेस्ट होटल है, बहुत तगड़ा होटल है, बहुत अच्छा होटल है। शीहे पप्पी को पकड़ रहे हैं और वो आ नहीं रहा इनके हाथ में। देखो गाइस, चलो आपको थोड़ी देर सीन दिखाता हूँ होटल चलने तक के। इतना क्यूट है देखो, उन्होंने बोल दिया ना वहां पर रख दो वापस। फोटो करो, फोटो करवा लो, बस फोटो करवा लो। देखा मुझे, दिखा मुझे, ये पप्पी शेरू है तो शेरू देख देखो इसकी मम्मी हो रही, ये हमारी मम्मी, ये रहा पप्पी और ये रही पप्पी दूसरी, ये सब पप्पी है। चलो इसको वापस छोड़ के आते हैं, फिर अपने होटल चलते हैं। चलो कैमरा स्विच, हमारे वीवो फोन में हो गई थी स्टोरेज खत्म और बैटरी भी खत्म, पूरा डेड पड़ा हमारा फोन। और अभी हम कहाँ पे हैं, सोलांग वैली, और हमारे पीछे सोलांग वैली। थोड़ी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस बारी, थोड़ी देर में बैटरी चार्ज होगी उसके बाद हम स्विच कर लेंगे वीवो वाले पे। हमने वहाँ से क्या क्या खाया भाई, हमने गोलगप्पे, गोलगप्पे, छोले कुलचे। आप मेरे हालत देखिए, सबसे मिर्ची लग रही है, पाओ, पाओ वाली। सबको मिर्ची लग रही है कर जा रहे हैं सारे, सब सब खा रहे थे। अभी हम सोलांग वैली में गए थे अंदर, पूरा एडवेंचर एडवेंचर देख के, अभी क्या क्या था क्या नहीं था उसकी क्लिप्स देखो। ये रहा क्या कहते हैं इसको, सोलांग वैली। चलो भाई आओ, ओ वहां जगह बनी हुई है, ये जैकपॉट। देखो दिमागदार, देखो कहाँ से है वहां से दिमाग होना चाहिए, मैं आया हूँ यहाँ से। तो गाइस अभी हमें सोलांग वैली में, सोलांग वैली में भी कुछ भी वो क्या कहते हैं, स्नो नहीं है, ना स्नो फॉल हुई है ना कुछ है। और मतलब अपना वहाँ पर जिप लाइनिंग है, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग है, ए पीछे बच्चे चल रहे हैं छोटे छोटे से, ये हमारा वंश चल रहा है। खाने पीने के लिए सही मामला है यहाँ पर सब कुछ है। और हम थोड़ा माटक चलेंगे रोली स्किल्स टेम्पल, चलो वहाँ चल के दिखाते हैं और थोड़े शॉट्स इंजॉय करो आप। सोलांग वैली में हम थोड़ा सा अंदर आए हैं, बिल्कुल हम वहाँ एंट्री गेट पे थे, वहाँ पर हमने गोलगप्पे, मैगी, फलाना नमकाना जो भी यहाँ का स्नैक्स वगैरह होता है सब खाए। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर, क्या क्या हुआ पीछे, चलो कोई बात नहीं, पीछे कुछ सीन वीन बता रहे हो। हाँ यहाँ पर स्की सेंटर है, यहाँ से स्कीइंग वगैरह के लिए ऊपर जाते हैं लोग, पर यहाँ पर बर्फ ही नहीं यार, क्या स्कीइंग वगैरह करते होंगे अपना। हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं हो ना होती हो, पर अभी हम सोच रहे थोड़ा सा ऊपर तक जाए, चढ़ाई थोड़ी सी ऊपर तक जाए, उसके बाद देखते हैं। हाँ देख ले भाई, कुछ नहीं यहाँ ही आया है चलो ऊपर तक चलना है, मजे आ रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा ठंड भी है। फिर इसके बाद सीधे मनाली होटल चलेंगे। ओ ओ ओ बंचे बंचे भाग गया हमारा,
आई एम ऑन द फर्स्ट प्लेस गाइस। ये पागल है, हमने भागने के लिए नहीं बोला था इसको। ये ऐसा मैराथन दौड़ रहा है। अब चलो वापस गाड़ी में। और कहाँ चलेंगे हम? अब मनाली होटल पे। मनाली होटल पे चलो चलते हैं। चलो भाई चढ़ो सारे। होटल में एंट्री ले ली है, जहाँ पर हम एक साल पहले रुके थे वहाँ पर काफी समय। बहुत फेमस होटल है भाई, बहुत तगड़ा होटल है। यहाँ का मैं आपको पूरा टूर करवाऊंगा। अभी देखो लगे जा रहे हैं अपना पीछे और अभी जा रहे हैं अपने रूम में। इस रूम में हम आ चुके हैं, सामान वगैरह सब यहाँ रख दिया है। रूम टूर देते हैं थोड़ा सा। एक ये गेट से घुसते ये बेड है, ये बेडरूम है पूरा का पूरा। ये वॉशरूम है और ये बालकनी साइड से इस टाइप की शीशा लगा हुआ। एक और रूम है यहाँ पे अंदर आते जाते साथ एक और रूम है। और ये रूम भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, पूरा वुड का बना हुआ है। देखो पूरा वुड का एक नंबर भाई। ये पीछे के साइड बालकनी है बैठने के लिए। यहाँ पे अपना जो भी बालकनी वगैरह, यहाँ पर शीशा, यहाँ पर ड्रॉर वगैरह है। और ये एक रूम, ये रहा एक रूम बस। और आपको एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ इस होटल की। चूल्हे मिल रहे हैं आपको। और एक स्पेशल चीज दिखाते हैं, देखो पीछे, देखो पीछे बिल्कुल फ्रंट साइड रिवर है भाई अपने। और फ्रंट साइड क्या है, माल रोड, मॉल रोड इसको भी जो भी कहते हैं। चलो भाई एक बार ऊपर चलते हैं, सारे ऊपर चलते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ के टेरिस पे। ये देखो टेरिस पे झूले हैं, रेस्टोरेंट है, पूरा सजा धजा है भाई, पूरा एक नंबर रिजॉर्ट टाइप का है पूरा। और ये पीछे रेस्टोरेंट है, ये बैठने की सीटिंग है, ये देखो पीछे। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसकी फ्रंट साइड से क्या दिखता है। ये देखो ये दोनों के दोनों यहाँ पे झूला झूल रही है फालतू का। और ये देखो गाइस व्यू है गाइस फ्रंट साइड का। देखो नीचे रोड है, वो सामने रिवर और सामने ही मॉल रोड। ऊपर की साइड देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ झूले और सेटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे रेस्टोरेंट का पूरा। ये रहा रेस्टोरेंट गाइस। ये थी टेरेस और इसके ऊपर एक और फ्लोर है, वो हम आपको दिखाते हैं। चलो गाइस सी दिस। ये देखो गाइस तो कितना सुंदर है ये सेटिंग एरिया है भाई। ये देखो आई एम अ किड, वाओ झूला झूल रहे हैं गाइस अभी हम। ओ भाइयों सही से पूरा हमारा होटल। हम आए हैं खाना खाने से पहले गए थे हम, पहले कहाँ गए थे, मॉल रोड गए थे। वहाँ इनको स्नैक्स वगैरह खिलवाने थे, मोमोज आइसक्रीम वहाँ के फेमस शीट डू वी डू जो भी होते हैं। अब मैक को लगा दिया चार्जिंग, मैक के अंदर डाल दूंगा सारा डाटा, कल तक से आज तक का सारा डाटा जो भी था वो 50 से 60 GB तक का रिकॉर्ड हो गया था गाइस 4K में। तो अब उसको डालूंगा लैपटॉप के अंदर। खाना रखा हुआ है यहाँ पर, पहली ऑर्डर दे देता हमें। हमें अभी हो गए 10:30 बज गए थे और होटल में वंश लेटा हुआ है, हर्षित और विरोनी का ये रहे खाना खा रहे हैं। और मैं अभी चेंज करके खाना खाऊंगा।
तो गाइस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, ये सेकंड डे था, थर्ड डे के अंदर हमारे साथ कंटिन्यू रहना, कल का ब्लॉग बहुत एक्सक्लूसिव आएगा और ये सब मैं रिकॉर्ड करके पहले रख लूंगा, उसके बाद फिर मैं एडिटिंग करके डालूंगा, क्योंकि जब मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा फिर मेरे पास टाइम भी रहेगा, इंटरनेट भी रहेगा, लैपटॉप भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो गाइस चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं और छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपके लिए डाल दूंगा ब्लॉग के बीच में, उसको प्लीज़ देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।